न्यू अपडेट 12.5 की अपडेट। भाई एक शायरी तो बनती है, आप शुरू करें, खत्म मैं करता हूँ। तो सुनिए, ना नहाने से सर में पड़ जाती है जूं, ना नहाने से सर्दियों में पड़ जाती है सर में जूं। और ये बिना फीचर के बग से भरी हुई MIUI की अपडेट। थू तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YT अटैक। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो 7 प्रो के लिए MIUI 12.5.1 की अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं, पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप Redmi Note 7 Pro के यूजर हैं तो आपके लिए यहां पर गुड न्यूज भी है एंड बैड न्यूज भी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है Redmi Note 7 Pro। तो दोस्तों, आज यहां पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आ रही है। एक तो Redmi Note 7 Pro के लिए MIUI की जो नई अपडेट है, MIUI 12.5.1.0 की अपडेट जो है वो रोल आउट कर दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको मालूम है यह सारी अपडेट्स चाइना में ही बनती हैं, उसके बाद ही इंडिया में रोल आउट की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, चाइना में स्टेबल रोम की अपडेट जो है पुश कर दी गई है। तो मैंने अपने डिवाइस में इसे फुली इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओल्ड स्पेक्स में जाते हैं तो सैडली हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 10 की ही सपोर्ट मिलती है, एंड्रॉयड 11 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम ओल्ड स्पेक्स में एक बार फिर से जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मई का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार, तो अगर हम यहाँ पर माई डिवाइस में जाकर व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो शायद मेरे को ये चेंज लॉग ना दिखाए, क्योंकि मैंने इसे फ्लैश किया है तो यहाँ पर ये कुछ दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, अपडेट जो है मेरे को काफ़ी स्मूथ लगी। आप देखेंगे यार, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है इसमें। मैंने चाइना बीटा तो बहुत बार जो है MIUI 12 में भी यूज़ किया है, पर 12.5 की जो परफॉर्मेंस है वो MIUI 12 से काफ़ी बेहतरीन है। 12.5 बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है MIUI 12 के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या फीचर हैं, तो यार मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो लॉक स्क्रीन तो बिल्कुल सेम ही है जो हमें MIUI 12 में देखने को मिलती है, पर अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर अभी भी ब्लर्ड है, पर यहाँ पर हमें जो है कंट्रोल सेंटर 2.0 नहीं मिलता है, जैसे कि आप स्वाइप कर सके लेफ्ट एंड राइट, तो ये नहीं मिलता है। तो ये एक यहाँ पर डाउन साइड है। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप देखेंगे न्यू वॉल्यूम कंट्रोल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और ना ही दोस्तों आपको न्यू वॉल्यूम यानी कि न्यू पावर मेन्यू देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बाकी सारी ऑप्शन सेम ही है। ये वॉलपेपर का सेक्शन है, ये सिर्फ चाइना के लिए ही है। अभी इंडिया में Redmi Note 10 Pro Max या Pro को भी ये जो है वो सेक्शन अभी देखने को नहीं मिला है, ये वॉलपेपर भी नहीं मिले हैं, तो ये इंडिया में नहीं आएंगे। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है अभी, तो देखते हैं आगे जाकर आते हैं या नहीं। पर यहाँ पर ये जो नए वॉलपेपर हैं ये वाले, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी ये लेआउट तो इंडिया आएगी नहीं। डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले भी बिल्कुल यार वैसी की वैसी ही है, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही आपको देखने को मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको लेआउट चेंज होती हुई नज़र आएगी, ये बिल्कुल इंडिया जैसी ही है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेआउट चेंज की गई है, तो ये हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो आपको ये जो है वो यहां पर मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो है बाकी दोस्तों सेम ही है। तो अगर आप यहां पर जाते हैं नोटिफिकेशन पैनल में, तो दोस्तों आपको यहां पर ये लेआउट जो है वो नई देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर MIUI 11 का आ जाता है, यहाँ पर टैप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है। तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप इन्हें ऑफ कर देते हैं तो अब लॉक स्क्रीन में जो है आप जो है एक्सेस नहीं कर सकते, कंट्रोल सेंटर कर सकते हैं पर जो है ये वाला नहीं कर सकते, आपकी जो नोटिफिकेशन है। तो इसमें थोड़ा सा बग चल रहा है अभी, तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम ही है।
तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं होम स्क्रीन में तो बाकी लेआउट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अरेंज आइटम में आपको ये जो मिल जाता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो ये जो है नया ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ब्लर ऐप में भी आपको जो है वो देखते हैं न्यू यूआई है या नहीं, तो हो जा यार लोड हो जा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है नया यूआई देखने को मिल जाता है ब्लर ऐप में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में दोस्तों सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर प्राइवेसी में जाते हैं तो आपको नई प्राइवेसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे आप न्यू प्राइवेसी है तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये नई प्राइवेसी आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी ऐप्स आपका जो है वो डेटा पीछे से एक्सेस कर रही हैं, माइक एंड ऑल द ऐप्स में अगर आप जाते हैं तो मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो अगर आपको थीम ऐप नहीं चाहिए तो रिमूव कर दीजिए, तो अब आपको यहाँ पर थीम ऐप नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आपको थीम ऐप लगानी है तो आप लगा लीजिए, तो फिर से आपको जो है यहाँ पर थीम ऐप देखने को मिल जाएगी। किधर गई यार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम ऐप आ गई है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं नोट्स में तो आप जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम ऐप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अभी इंडिया में नहीं आया है, आने वाली अपडेट्स में आएगा, पर ये हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सिस्टम ऐप्स को भी जो है यहाँ पर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये वेदर ऐप है तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप जो है अनइंस्टॉल एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाकी दोस्तों स्पेशल फीचर में जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर हैं, पर यार ये फीचर बहुत सारे इंडिया में नहीं आने वाले तो मैं आपको यह ज़्यादा नहीं दिखाने वाला यहाँ पर। बाकी यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स तो आपको मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो मिल जाती है, क्योंकि फ्लोटिंग विंडो को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाता है, तो कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गेम टर्बो जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं गेम टर्बो में तो आपको अब गेम स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लेआउट यहाँ पर चेंज हो गई है। बाकी दोस्तों सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर जो है लेआउट चेंज हो गई है। कोई भी वॉइस चेंजर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप वॉइस चेंज कर सकें गेम्स में बोलता, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैलरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर नई गैलरी की जो है लेआउट देखने को मिल जाती है, जो कि ऑफिशियल आपको मिलेगी, कोई भी APK की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, स्काई का फीचर मिल जाता है आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो काफ़ी सारी जो है वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स हैं यार, अनगिनत हैं, आप जितने मर्जी लगाते जाइए। तो ये जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और आप यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। विदाउट एनी डाउट आप देखेंगे ये चेंज हो गया है, तो बहुत सारे फिल्टर्स हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऐसा हो गया है, तो देखने में यार काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, पर लेआउट जो है पूरी चेंज कर दी गई है और आपको नए फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको जो है वीडियो एडिटर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो वीडियो एडिटर है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों वैसे का वैसे ही है। नोट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो है न्यू नोट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का साइन दबा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट नोट, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी याद कर सकते हैं, ड्राइंग एंड ऑल दैट, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पर नोट्स का, अगर आपको नोट्स एप्लीकेशन पसंद है। तो दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला है। कैमरे में भी यार कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है जैसे पहले कैमरा था। कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक है पर वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। तो यार यहाँ पर ये कुछ चेंजेस हुई हैं Redmi Note 7 Pro में MIUI 12.5 की अपडेट में। तो यार इंडिया में ये अपडेट जो है विद इन 1 मंथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब चाइना में आ जाती है तो इंडिया में भी हमें देखने को मिल जाती है। तो विद इन 1 मंथ ये अपडेट हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके डिवाइस के लिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही।